दो राइडर अभी यहाँ पे गिर गया है, दो राइडर। प्लीज बैक नहीं इंजोर्ड यार। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है एक स्पेशल डे, मैं हूँ बहुत एक्साइटेड। सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ मैं, अभी वक्त हो रहा है 8 बजे और आज है इवेंट मोटो जीपी का फाइनल। मोटो जीपी जो है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में, तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से, अभी जाऊँगा। रास्ते में दोस्त मिलेंगे जो कि मुझे पिकअप करेंगे और हम बढ़ जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वहाँ पहुँचूंगा, आपको दिखाता हूँ। आज बहुत ही एक्साइटिंग डे होने वाला है, बाइकिंग का सबसे बड़ा इवेंट है आज, जो कि पहली बार इंडिया में हो रहा है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वहाँ से मैं लकी ड्रॉ विनर था, तो आई एम वेरी लकी टू गेट दैट पास टुडे। सो चलते हैं और मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे और एंजॉय करते हैं आज का डे। तो भाई अभी हम आ गए हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जहाँ से कि हमें मोटो जीपी के टिकट्स मिल रहे हैं होंडा की तरफ से। ये रहे मेरे टिकट्स फॉर द मोटो जीपी, वेरी एक्साइटेड गाइस। अभी जाएंगे और रेस देखेंगे। टिकट्स आ गए हाथ में, साथ में एक फूड कूपन होंडा की तरफ से 750 रुपीज़ का फॉर द लकी विनर्स ऑफ द ड्रॉ, जो होंडा विंग की तरफ से करा गया था। तो अभी वेट कर रहा हूँ मैं प्रशस्त का, प्रशस्त आएगा तो प्रशस्त और मैं यहाँ से मिलके अरसलान वगैरह जो गाड़ी से हम आए हैं, हम लोग जाएंगे और रेस इंजॉय करेंगे। ये गार्ड रोक रहे हैं, पुलिस वाले नहीं रोक रहे हैं। अरे गार्ड बड़े पुलिस वाले बन रहे, पुलिस वाले नहीं रोक रहे क्या? अरे स्पेशली एबल्ड लोग आज कुछ ज्यादा ही लोग आए ना। तो भाई आ गए हम रेस डे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। आवाज आ रही होगी बाइक्स की, रेव हो रही है अंदर। ये देखो सब सेटअप है पीछे पूरा, सारे ही बाइक्स के स्टॉल लगे वहाँ, केटीएम होंडा का भी आगे लगा हुआ होगा। वहीं पे जाएंगे अभी हम और कलेक्ट करेंगे अपने मर्चेंडाइज। प्रशस्त आया हुआ है, सैम आया नहीं है एज ऑलवेज, काफ़ी आलसी, पार्टी करके भाई लेट सोया है, तो वो तो आएगा नहीं, लगता नहीं आएगा वो। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, गियर वगैरह सब बिक रहे हैं। ये देखो ओला के कुछ कॉन्सेप्ट न्यू लॉन्चेस कॉन्सेप्ट बाइक्स है यहाँ पे। खतरनाक दिख रही है भाई साहब। ये ओला के कॉन्सेप्ट बाइक्स आए हैं, एकदम फ्यूचरिस्टिक लग रही है यार, जबरदस्त। ये डुगाटी का है स्टॉल। इधर मस्तु लुब्रिकेशन का, तो यहाँ पे लगाया गाइस होंडा का स्टॉल। ये रहा वगैरह।
तो भाई लोग, ये है होंडा का स्टैंड, होंडा बिग विंग क्लासिक स्टैंड 2 वेस्ट। हम लोग सारे यही जा रहे हैं, यही पे स्टैंड है, उधर से बैठ के देखेंगे। अब यहाँ नीचे होंडा के काउंटर्स लगे हैं। भाई मिल गई किट होंडा की, मैं और मिश्रा दोनों तैयार हो गए होंडा की किट पहन के, कैप और फिर टी शर्ट, बैग, उसमें एक टॉवल है। सो दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम होंडा, जो विनर है इंस्टाग्राम पे जो चला था पेज, उस पर अभी हम अब एंट्री करेंगे अंदर। ये स्टैंड है, ये होंडा का स्टैंड है पूरा, पीछे आ गई ठीक है। अभी हम एंटर कर रहे हैं स्टैंड्स में मोटो जीपी, एकदम रेडी। ये होंडा का स्टैंड है और आपको अभी ग्लिम्सेस मिलेंगे ट्रैक के। ये हो गया है शुरू, साउंड सुन रहे हैं बाइक्स का, भाई साहब जबरदस्त। शुरू हो गया है मोटो 3 का, मोटो 3 रेस स्टार्ट हो गया है। अभी वार्म अप राउंड हुआ थोड़ी देर पहले और अभी भाई फाइनल लैप चल रहा है और राइडर्स उधर से आ रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूं मैं, हियर वी गो। दो राइडर अभी यहाँ पे गिर गए हैं, दो राइडर। होपफुल ज्यादा चोट ना लगी हो। एक तो ये रहा, और एक राइडर पीछे गिरा हुआ है। एक राइडर ये रहा जो गिरा था। पूरी तरह से गिरा यार, हो बोले ठीक हो वो लोग, उसको चोट लगी है पीछे वाले को, पीछे वाले राइडर को चोट लगी है यार। ये तो ठीक है, ये बैठ गया बाइक पे यहाँ पे। और दूसरे को लगी है चोट, बहुत बुरी तरह से गिरा है।
बहुत ही बुरी तरह से गिरा है। बाइक टूटी है पूरी तरह से, बहुत ही गंदी तरह से टूटी है। दो बाइक जो भिड़े थे उसमें से एक बाइक बहुत ही बुरी तरह से टूट गया, बहुत ही बुरी तरह से टूट गया एक बाइक। उसको खींच खींच के बाहर लेके आए हैं। दो गिर गए थे, लोड हो रहा है बाइक अभी, उसमें एक वहां गिर गया पीछे। वो भाई लैंप्स हो गए खत्म, ये सबको सौंप दिया बाइक देखो तो टूटे हुए थे, वो लोड हो रहे हैं पीछे पीछे, वो बाइक लोड हो रहे हैं। बढ़िया रेस रहा, चार से पांच राइडर गिर गए इस रेस में, चार से पांच राइडर गिरे, खतरनाक वाले गिरे। एक बाइक तो खत्म, एक बाइक तो बिल्कुल खत्म हो गई यहाँ पे और पूरी तरह से। सो मोटो थ्री के रेस के बाद हम लोग बाहर आए थोड़ा घूमने, और ये रहा डुकाटी का जो स्टॉल लगा है यहाँ बाहर, ये डुकाटी के बाइक्स, जबरदस्त बाइक्स है भाई, जबरदस्त। ये एडवेंचर है, डुकाटी का एडवेंचर बाइक है, और उसके साइड में खड़ा है डुकाटी का मल्टीस्ट्राडा वाइट कलर में। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग डुकाटी के स्टॉल पे आ रखे हैं, क्योंकि डुकाटी के बाइक्स भाई अल्टीमेट होते हैं बिल्कुल। अब इस तरफ से चलते हैं हम, यहाँ पे खड़ा है डुकाटी का स्क्रैम्बलर रेड कलर में, ये रहा डुकाटी स्क्रैम्बलर। उसके साइड में खड़ा है डुकाटी मॉन्स्टर, डुकाटी मॉन्स्टर हाइपर नेकेड बाइक है भाई, बहुत ही खतरनाक। और उसके साइड में खड़ा है डुकाटी डियावेल ब्लैक कलर में, ये रहा डुकाटी का डियावेल, ये मॉन्स्टर। और उसके साइड में ये डुकाटी डियावेल ब्लैक कलर में, जबरदस्त बाइक है भाई, ये स्पोर्ट्स बाइक है डुकाटी के। पानी गले वो राइट साइड में जो उस तरफ है, उस तरफ से दिखाता हूँ, ये रहा, ये तो मल्टीस्ट्राडा है वाइट कलर का। उधर पीछे यहाँ पे गियर वगैरह। 2000 years later. सो भाई तीन रेस हो गए हैं, मोटो जीपी 2 और मोटो जीपी 3, और अभी होने वाला है मोटो जीपी। तो जो दूसरा रेस हुआ है वो 750 सीसी बाइक का हुआ है, और अभी जो है वो फाइनल रेस होने वाला है मोटो जीपी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो रेस ट्रैक पूरा, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का पूरा रेस ट्रैक देख पा रहे हो, एंड वी आर अबाउट टू विटनेस द फाइनल रेस ऑफ मोटो जीपी। वेरी एक्साइटेड गाइस, वेरी एक्साइटेड। बहुत धूप है, बहुत मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए, पर कोई बात नहीं यार, अभी फाइनल के लिए पूरा जोश बराबर है हमारे पास, और अभी थोड़ी देर में फाइनल रेस शुरू होगा, आपको दिखाएंगे अभी, तो स्टे ट्यून्ड गाइस।
भाई अभी अभी पता चला है ट्रैक पे आ गया है जॉन अब्राहम ऑन BMW 1000 ये आ रहे हैं पीछे से जॉन अब्राहम तो ये गए भाई जॉन अब्राहम अपने BMW पे ये वार्म अप था द मोमेंट ऑफ ट्रूथ गाइस फाइनल वाला लैप था ना लैप मतलब फाइनल वाला राउंड था ओ भाई मोटर जीपी वाला जबरदस्त और ये पीछे आंधी आ गई पूरी आंधी आ गई बारिश होने वाली है मौसम बदल गया बहुत बढ़िया चलो इसी बढ़िया मौसम के साथ चलेंगे घर की तरफ गाड़ी से आए तो कोई दिक्कत नहीं बाइक साथ में भिग जाते तो भाई अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप पूरी तरह वीडियो को देखते हो और एंजॉय करते हो ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको ऐसे एंटरटेन करते रहे जैसे ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था MotoGP में इंडिया में पहली बार हुआ है तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये और ये हमारे संदीप भाई भी आए थे संदीप भाई ये रहे कैसा लगा भाई आज का बड़ा मज़ा आ गया यार बढ़िया मज़ा आ गया ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया फन हो गया वंस इन ए लाइफ टाइम है भाई वंस इन ए लाइफ टाइम क्योंकि पहली बार हुआ है इंडिया में तो भाई वही है अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और साथ में बने रहो नए नए वीडियोस और भी आने वाले हैं नई नई जगह आपको दिखाने वाले हैं अपने कैमरा के लेंथ से दूर उड़ रहे यार आंधी आ गई बिल्कुल तो बस आप निकलने वाले हैं यहाँ से सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो सब लोग स्वस्थ रहे मस्त रहे जबरदस्त रहे स्टे ट्यून्ड गाइस हैव फन बाय बाय सो दोस्तों कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स कैप्चर किया हमने अपने दोस्तों के साथ MotoGP के रेस ट्रैक से और बहुत ही बढ़िया दिन रहा और मैं वहाँ पे मिला अपने इंस्पिरेशन जिनको देख के मैं राइडिंग शुरू करी दीप रंजन भाई और प्रतीक्षा द रेसर चिक इनको भी आप जानते ही होंगे सो ये लोग भाई बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं और बहुत ही हम्बल बढ़िया लोग थे विद दिस इट्स ए रैप ऑफ द वीडियो स्टे ट्यून्ड गाइस स्टे हेल्दी स्वस्थ रहे मस्त रहे ज़बरदस्त रहे बाय बाय